हाउ यू ऑल होप ऑल आर फाइन। गाइस टुडे यानी कि आज तक गोवा में मेरा 3 दिन हो गया। सो जब फर्स्ट टाइम में आने के बाद मेरा हेल्थ बहुत ख़राब हो चुका था और मैं अच्छा से ब्लॉग भी नहीं बना पाया। सो आज हम लोग रेस्ट करने के बाद इवनिंग टाइम पे निकल पड़े। गोवा का बेस्ट पार्ट जो होता है इवनिंग पार्ट में, इवनिंग टाइम पे जो लोग बहुत आते हैं बीच के बगल में लवली सनसेट व्यू देखने के लिए। सो हम लोग भी माइंड में रखते हुए इवनिंग टाइम पे निकल पड़े। वैसे वेदर बहुत कूल था, सेक्सी मौसम था। सो पहले हम लोग का प्लान था हम लोग कलंगूट बीच में जाने के लिए। सो हम लोग निकल पड़े फर्स्ट कलंगूट बीच की तरफ। उसके बाद हम लोगों ने सोचा है नाइट टाइम में बागा बीच में जाने के लिए, क्योंकि बागा बीच के बगल में जो क्लब्स और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड नाइट क्लब जो बहुत फेमस है, जहाँ पे बहुत सारे यंग्स लोग आते हैं एंड अंकल्स और जो भी एडल्ट्स लोग भी आते हैं। सो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गया। सो गाइस हम लोग पहुंचते पहुंचते कलंगूट बीच में काफी सवेरे अंधेरा हो चुका था। लाइक हम लोग वहाँ पे जाके सनसेट व्यू तो नहीं देख पाया, बट लोगों की बहुत भीड़ देखने को मिला। बहुत सारे लोग बीच के बगल में बैठ के चिल कर रहे थे, जैसे कि कोई कपल्स, कोई फ्रेंड्स सर्कल और कोई हस्बैंड वाइफ। सो देयर इज अ लवली मोमेंट इन एवरिंग टाइम। ठंडी हवा आ रही थी, उसके बीच नदी की सॉरी बीच का जो लहरा हुआ देव वाओ अलग ही फील बनाते हैं। गाइस हम लोग अंधेरा हो गया आते आते, देखो पूरा नाइट। सो गाइस आफ्टर कलंगूट बीच में काफ़ी टाइम बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े हम लोग की दूसरा डेस्टिनेशन, जिसका नाम था टिटूस लैंड। वहाँ पे जाके हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे लाइक नाइट व्यूज, इवन नाइट क्लब, नाइट बार, इवन आप वहाँ पे जाके फुट मसल्स, जैसे कि छोटे छोटे जो फिशेस होता है आपको फुट मसल्स देगा कि वो भी इंजॉय कर सकते हैं। अदरस पर आपको ड्रिंक का शौक़ है तो ड्रिंक्स कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे क्लब देखने को मिल जाएगा आसपास में। और बगल में बहुत सारे शॉपिंग्स जैसे कि ग्लासेस, शूज, क्लॉथ्स और भी काफ़ी सारे शॉप का नज़ारा मिल जाएगा आपको। जैसे कि कोई किसी को फूड का लाभ है तो फूड्स का इंटरेस्ट है तो फूड ट्राई कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट आइटम्स मिल जाएगी यहाँ पे। और हम लोग भी चलते रहे लोगों के बीच और बहुत क्राउड के बीच हम लोग चलते रहे बागा बीच की तरफ। दिल का खत्म भी है क्या? वाओ गाइस टिटूस लैंड बहुत अच्छा जगह है नाइट व्यू के लिए, गर्लफ्रेंड के साथ।
like MG Road. Foot masses of fish. Wow. This is the bar, Cape Town Cafe. So finally guys, हम लोग direct हम लोग का main locations जो बागा बीच कि नाइट व्यू देखना था तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गया और जाके देखा इतना सारे ऑसम व्यू गाइस, क्योंकि लाइक अलग ही फील बनाते हैं लाइक आपको नाइट व्यू में, जैसे कि हम लोग बहुत पैसा खर्चा करके हम लोग बाहर में जाते हैं, सो यहाँ पे खुला लाइक मौसम एंड खुला आसमान देखना, उसकी बीच नीचे में हम लोग बैठ के ड्रिंक्स करना, अलग ही कुछ मजा, अलग किस्म का मजा। सो गाइस आप लोग भी इंजॉय कीजिए लवली व्यू। अंकल लोग डांस कर रहे हैं। इधर में वो बैठा है ना। गाइस मैं बहुत थक गया था, मेरा आंखें पूरा लाल हो चुका था। इवन दोस्त हम लोगों ने थोड़ा, मैंने कुछ नहीं पिया, मैंने जस्ट ड्रिंक्स ओनली वन बियर लिया, इवन मेरा फ्रेंड्स लोग ने भी। देन हम लोग काफ़ी देर तक इंजॉय करते रहे, जैसे कि बहुत सारे कपल्स लोग, इवन अदर्स लाइक हस्बैंड वाइफ भी हो गए एंड फ्रेंड सर्कल भी हो गए यहाँ पे, सब लोगों का, जैसे कि सब टाइप का लोग मिल जाएंगे बीच की बगल में बैठे ड्रिंक्स करते हुए। इवन लाइक ओवरऑल इज नाइस व्यू एक्चुअली, इवन कोई भी गोवा में बागा बीच में नाइट टाइम में आएंगे तो आपको बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा। इवन फर्स्ट टाइम इज द गुड एक्सपीरियंस, इवन या आई वॉन्ट टू कम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। सो हम लोग उसके बाद फिर टिटूस लैंड की तरफ चले गए।
सो गाइस ओवरऑल हम लोग का ये छोटा सा ब्लॉग यही तक था। सो गाइस प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग न्यू हैं तो, और पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्लीज़ थोड़ा दबा दीजिए क्योंकि आने वाले सारे वीडियो का अपडेट मिलते हैं। सो थैंक यू।